हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना के हॉटस्पॉट पर हंटर चलने शुरू हो गए हैं। दिल्ली समेत देश में जिन जगहों पर कोरोना के ज्यादा मामले सामने आए हैं ना, उन्हें सील कर दिया गया है। इन जगहों पर बिना वजह से घर से निकलने पर भी कार्रवाई होगी। कोरोना सीलिंग पर देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीर नोएडा की है। देश की राजधानी से सटा यूपी का शहर नोएडा कोरोना के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में से एक है। और यहां लोगों पर सख्ती के लिए इस तरह से पुलिस वाले लाउडस्पीकर में ऐलान कर रहे हैं, रोड पर नजर नहीं आएगा। यदि रोड पर कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से टहलता पाया गया तो उसके विरुद्ध धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नोएडा में लॉकडाउन और सीलिंग को सख्ती से लागू कराने के लिए आज रैपिड एक्शन फोर्स को भी उतार दिया गया। इस वीडियो में ब्लू वर्दी में जिन जवानों को आप देख रहे हैं वो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं और नोएडा के सेक्टर 8 में ये फ्लैग मार्च हो रहा है। सेक्टर की झुग्गियों में दो दिन पहले रात को 200 लोग क्वारंटीन में भेजे गए थे। उसके बाद भी वहां लोग घर से निकलने की जरूरत कर रहे थे। अब उसी जरूरत को जवाब देने के लिए ये तैयारी की गई है। बाकायदा डीएम और कमिश्नर की अगुवाई में सेक्टर 8 की झुग्गियों में सैनिटाइजेशन भी किया गया। ये तस्वीरें उसी की हैं। और सिर्फ झुग्गियों में ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को भी पुलिस वाले समझा रहे हैं। नोएडा में एक सोसाइटी के अंदर का ये वीडियो है जहां बाइक पुलिस की टीम अनाउंस करते हुए लोगों को घरों में ही रहने को कह रही है। हमारे साथ इस समय सीपी सर मौजूद हैं। सर, बस एक सवाल जो सबसे जरूरी है कि दर्शकों को समझाने के लिए कि सर ये क्यों आवश्यक है जो सील किया गया है बिल्डिंगों को, 22 इलाकों को सील किया गया है। देखिए, ये क्षेत्र के नागरिकों की अच्छे स्वास्थ्य के लिए और एक उनके जनरल वेलबींग के लिए ये सुनिश्चित किया गया कि आपसी दूरी बनाए रखने के लिए, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहा गया है, वही इस पैंडेमिक से लड़ने का अभी तक का सबसे सफल तरीका है। वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी ये इस पैंडेमिक से जीत हुई है लड़ाई में, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के ही माध्यम से हुई है। तो इस कारण से ये ऐसे केंद्र चिन्हित किए गए जहाँ पर दो या दो से अधिक केसेस निकले थे, पॉजिटिव केसेस निकले थे, और वहाँ से ये कंटेजन आगे और ना बढ़े और लोगों में ना फैले, इसलिए इस एरिया को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है।
सर यहाँ पर आप समीक्षा करने पहुँचे लेकिन लोगों के मन में बस एक ही सवाल बार बार उठ रहा है कि ज़रूरी सामान कैसे पहुँचेगा, क्या इंतज़ाम किए गए हैं, आप लोगों ने क्या तैयारियाँ की हैं? जी अभी उसी की समीक्षा के लिए हम दोनों लोग थे यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी मेरे साथ थे। तो यहाँ पर ई कॉमर्स के माध्यम से ग्रोसरीज वगैरह सब पहुँच रहे हैं। दूध की सप्लाई जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है, एक उसके टाइमिंग्स फिक्स किए गए हैं जिस टाइमिंग्स में वो यहाँ आकर दूध की सप्लाई करते हैं, और लोगों को अंदर यही बताया गया है कि कैसे कोऑपरेट करते हुए, सोशल डिस्टेंस बनाते हुए अपनी अपनी बारी से, अपने अपने नंबर से आकर दूध या इस तरह की जो डेली रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर सकते हैं। सर एक इशू ये भी आ रहा है कि जो भी मेडिकल स्टोर है यहाँ पर वो भी बंद किए गए हैं, तो ऐसे में जो बीमार लोग हैं उनके लिए किस तरह से इंतजाम किए जाएंगे, उनको डॉक्टर के यहाँ जाना हो या अस्पताल जाना हो या दवाइयाँ पहुँचनी हो? देखिए उसके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से एम्बुलेंस सर्विस रन की जा रही है, उस सर्विस के माध्यम से जो 102 नंबर को कॉल करके, 108 नंबर को कॉल करके वो एम्बुलेंस बुलाई जा सकती है, और अगर कोई मेडिकल अर्जेंसी या इमरजेंसी है उसको वो केटर करेंगे। अब नोएडा के पड़ोसी शहर गाजियाबाद चलिए। जिन सोसाइटी और मोहल्लों को सील किया गया है वहां के इलाके को इस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। घर हो या सड़क, गाड़ियों तक पर भी केमिकल के फवारे मारे जा रहे हैं। सैनिटाइजेशन का काम इन इलाकों में इसलिए हो रहा है ताकि कोरोना का कोई भी वायरस हो तो उसे नष्ट किया जा सके। गाजियाबाद के वसुंधरा, वैशाली, साहिबाबाद और मोहन नगर के सील किए गए इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम दिन भर हुआ। मोहन नगर इलाके में सेवियर सोसाइटी को भी सील किया गया है। यहाँ रहने वाले कुछ लोगों को पानी की दिक्कत हुई तो पुलिस वालों ने पानी पहुँचाने में मदद की। गाजियाबाद में 13 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जिसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। यहाँ पर हम सेवियर सोसाइटी में हैं मोहन नगर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं दो रेजिडेंट भीतर से बाहर जाने के लिए यहाँ पुलिस से बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बेहद सख्त है क्योंकि सील करने के लिए आदेश है, तो किसी भी वजह से यहाँ से बाहर लोगों को नहीं निकलने दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस नरमी के साथ हर एक से बात कर रही है और उसकी समस्या सुन रही है। अब जरा मेरठ चलिए, यहाँ तो पुलिस मोहल्लों की ड्रोन से निगरानी कर रही है। जिन मोहल्लों को सील किया गया है वहाँ बोर्ड लगा दिया गया है और ड्रोन कैमरे से गली गली पर नजर रखी जा रही है। अच्छी बात यह है कि पूरा सन्नाटा ही नजर आया, कोई दिख रहा है तो वो कोरोना सेनानी है जो सैनिटाइज करने में लगे हैं। लखनऊ में भी जो इलाके सील किए गए वहाँ घर, दुकान और सड़कों को सैनिटाइज किया गया। कैसरगंज इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट आप संजय त्रिपाठी से जानिए। आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कैसरबाग इलाके की, किस तरीके से देख सकते हैं आप, ट्रैक्टर में एक बड़े से टैंक में सैनिटाइजर को भर करके और उसका स्प्रे किया जा रहा है। जो भी जगह इनके रास्ते पर पड़ रही है, भले वो दुकानें हों, सड़क हो, गाड़ियां हों, कुछ भी हो, वहां पर ये स्प्रे करके सैनिटाइज कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के ये मकसद है कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उसको रोका जाए। लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण से जुड़े मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में काफ़ी सख्ती की गई है। पूरे 104 जो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां पर कोरोना
संक्रमित मामले सामने आए हैं उनको सील किया गया है, सख्त निगरानी की जा रही है, वहां पर किसी भी तरह किसी को अंदर और बाहर आने जाने नहीं दिया जा रहा। यूपी में 15 जिलों के संक्रमित इलाकों को सील किया गया है। कल रात से दिल्ली के भी 20 इलाके सील किए जा चुके हैं। जो इलाके सील हैं, वहां खाने पीने की चीजों को पहुंचाने का जिम्मा प्रशासन के पास है। दिल्ली का दिलशाद गार्डन इलाका कोरोना का हॉटस्पॉट है और यहां सैनिटाइजेशन के साथ साथ ही आज सुबह फॉगिंग का काम भी कराया गया। इलाके के जो डीएम है, एसडीएम है, वो भी दौरा करके गए हैं और पूरे इलाके को इस समय कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहां से किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है और साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की जो व्यवस्था है उसको पूरी तरह से एमसीडी की ओर से दुरुस्त रखा जा रहा है। कोरोना के साथ ही कोई और बीमारी ना पनपे, इसके लिए ये फॉगिंग का काम इस मोहल्ले में कराया जा रहा है और मोहल्ले की एक गली में जब सैनिटाइजेशन का काम शुरू हुआ तो मोहल्ले वालों ने ताली बजाकर कोरोना के कर्म योद्धाओं का हौसला बढ़ाया। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर अंजलि सिंह इस मौके की गवाह बनी। इस समय मौजूद है दिलशाद कॉलोनी के F70 से F90 की उस गली में जहां पर हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया गया है और यहां एमसीडी की सैनिटाइजेशन ड्राइव चल रही है और ये जो लोग तालियां बजा रहे हैं दरअसल ये उन कोरोना वॉरियर्स के लिए तालियां बज रही हैं जो यहां पर खुद को जोखिम में डालकर सैनिटाइजेशन का एमसीडी के जो तमाम कार्यकर्ता कर्मचारी जो है वो इस समय काम कर रहे हैं और इनके लिए ये तालियां बजाई जा रही हैं। लोग अपने घरों से निकले हैं, हालांकि इस कॉलोनी से बाहर वो नहीं जा सकते, गेट को बंद कर दिया गया है।